हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है भौकाल। ये सीरीज आपको 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के लिए लगभग 27 मिनट से लेकर 43 मिनट के बीच में ये। इस सीरीज का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक फ्रेंड आजम खान ने बोला था, तो मैं उनको इतना ही बोलूंगा भाई थैंक यू सो मच, क्योंकि ये सीरीज वाकई में देखने लायक है। और आप सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर आप माफिया और पुलिस वालों पर कुछ एक सीरीज देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वेल रिसर्च करके बनाई गई, तो ये सीरीज आप बिल्कुल देखना। कहीं से भी आप इस सीरीज में बोर हो गए नहीं। मैं आपको इस सीरीज के बारे में ज्यादा कहानी इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि देखिए कहानी बताऊंगा तो हर एक एपिसोड लगभग 27 मिनट से लेके 43 मिनट्स के, तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं से भी खत्म होना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ ही ऐसी सीरीज आपको देखने मिली जिसमें देखो तो मजा आता है, क्योंकि इस सीरीज के जो मेकर्स है उन लोगों ने इतना वेल रिसर्च करके जो कुछ उनको बताना था बिल्कुल वही बताया। मतलब फालतू के कोई सीन्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इस सीरीज में जो मेन रोल प्ले कर उनका नाम है मोहित रायना, वो रोल प्ले कर एसएसपी नवीन शिकेरा का। और मैं आपको बता दूं ये जो सीरीज की कहानी वो ट्रू इंसिडेंट पे बेस है। वाकई में सारे के सारे इंसिडेंट हो चुके हैं मुजफ्फरनगर में। अगर आपको मैं इस सीरीज की कहानी बता दूं, सीरीज की कहानी शुरू होती है मुजफ्फरनगर से, जहां पर आपको दो बड़े गैंग देखने को मिलेंगे, एक तो शौकीन गैंग और दूसरा डेढ़ा ब्रदर्स। तो दोनों जो गैंग है वो मुजफ्फरनगर में एक तरीके से भौकाल मचा है, मतलब आतंक मचा के रखे। वहां के जितने भी सिविलियन है यानी जितने भी गांव वाले उन लोगों की हमेशा फटी पड़ी रहती है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे इन लोगों की वजह से। और इतना ज्यादा इन लोगों का खौफ है कि वहां की जो लोकल पुलिस है वो भी इतना ज्यादा डरती है कि वो मतलब डर के मारे उनके इलाके में भी नहीं जाती है। लेकिन जब वहां पर एसएसपी की पोस्टिंग होती है, दिल्ली से उनकी पोस्टिंग होती है मुजफ्फरनगर, तब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी भौकाल। अब मैं आपको बताता कि इस सीरीज की सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो देखिए इस सीरीज की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि मेकर्स लोग का स्टार्ट से लेके एंड तक उनका ये चीज में फोकस था कि हमको आखिर बताना क्या है। और नवीन सिकेरा ने जब सन 2000 में मुजफ्फरनगर में किस तरह से इनकाउंटर किए थे और किस तरह से वो माफिया राज को वहां के खत्म करने के पीछे पड़ गए थे, वो सब चीज यहाँ पर आपको बताई जाएगी। बहुत ही कह सकते हैं आप ड्रामेटिक वे में बताई जाएगी, मतलब देखने में आपको मजा आता है। और इस सीरीज की जो सबसे अच्छी बात बोलूं वो है कि मतलब आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब ये लो बजट की वेब सीरीज है। हालांकि ये लो बजट की वेब सीरीज है, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने कोशिश की है काबिले तारीफ है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो मोहित रैना छा गए ले पूरी सीरीज में। उसके अलावा हमें अभिमन्यू का भी रोल बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ पे रोल प्ले करे शौकीन का। तो कुल मिला के ये सीरीज कहीं से भी आपको बोर नहीं करती। उसके अलावा आपको बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक चीज मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि अगर आप लोग किसी गैंगस्टर और पुलिस वालों की मुठभेड़ पर कोई सीरीज देखना या मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये बिल्कुल आपके लिए है। ये सीरीज में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मुजफ्फरनगर में अगर इस तरीके की गैंगवार होते होंगे तो वो कितने खतरनाक होते होंगे वो मतलब ये सीरीज देख के इमेजिन कर सकता है आदमी। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग इमेजिन करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप कभी भी मुजफ्फरनगर या इस तरीके के यूपी में जो भी जगह है वहां पर जाने से आप 10 बार सोचोगे, क्योंकि वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस तरीके की चीजें होती तो जो नॉर्मल लोग वो कैसे रहते होंगे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मैं ये भी आपको नहीं बता सकता कि इसमें जो जो चीजें बताई सीरीज में ये वाकई में फैक्ट हुआ था या लोगों ने फिक्शनल करके बताया, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वाकई में यूपी हो, बिहार हो या कलकत्ता हो, ये सब जगहों पे इस तरह की सारी चीजें होती है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है वो तो आपको पता नहीं है। और अगर आजकल की मीडिया की माने तो भाई देखो ग्राउंड लेवल पे होता कुछ और है, वो लोग मीडिया न्यूज में बताते कुछ और है। और कभी कभी क्या होता है ये सब चक्कर में जो बेचारे निर्दोष होते हैं, जो बेचारे ये सब कांड नहीं भी करते वो बेचारे फंस जाते हैं, और जो ये सब चीजें करते हैं वो लोग बच के निकल जाते हैं। तो ग्राउंड लेवल की सच्चाई तो भाई मैं बोलता हूँ कि आपको और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। खैर हम लोग अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में मुझे पर्सनली हर एक चीज बहुत अच्छी लगी और बहुत ही रोचक सीरीज है। और हर एक एपिसोड एक से बढ़कर एक है। और बस मैं इतना कह सकता हूँ कि इस तरीके की सीरीज आगे और भी बढ़ना चाहिए। और एमएक्स प्लेयर की तरफ से अगर ये सीरीज आ रही है जिसकी मैंने पर्सनली उम्मीद नहीं किया था, खैर आई तो बहुत अच्छी बात है। देखो देखने में कुछ अलग हटके लगा और थोड़ा एंजॉय हुआ और एंटरटेनमेंट हुआ। तो बस मैं इतना बोलता हूँ अगर आपको ये सीरीज देखना है तो आप इसे जरूर देखना, ये आपको एमएक्स प्लेयर पे मिल जाएगी और फ्री में आप लोग देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं हूँ राजेश और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखना, बाय।